राजा दशरथ कब नारी बन गए थे और दशरथ रूपी नारी से किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर रामायण महाकाव्य में छिपा हुआ है। रामायण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी मसाला टीवी में। ये कथा त्रेता युग की है। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। उस समय हर क्षत्रिय ये नियम मानता था कि जब तक शिकार ना मिले वो अपने राज्य लौटकर नहीं आता था। जब राजा दशरथ को शिकार नहीं मिला तो शिकार की खोज में वो बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन थक हार कर वह अपने राज्य की ओर लौट रहे थे, प्यास के मारे तड़फ रहे थे। तभी जंगल के बीच में उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान के लिए था और उस सरोवर की रखवाली विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। ऋषि ने अपने तप और बल के प्रभाव से उस सरोवर को ऐसे सुरक्षित कर दिया था कि कोई भी पुरुष उस सरोवर में पानी पिए या उस पर स्नान करे तो वह तुरंत नारी रूप में परिवर्तित हो जाता। दोस्तों, समय का फेर देखिए कि अब राजा दशरथ के साथ क्या होता है। प्यास से व्याकुल राजा दशरथ अपने घोड़े को लेकर उस सरोवर के पास आए और उस सरोवर के जल को जैसे ही छुआ वह तुरंत ही एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। जब राजा दशरथ ने अपने को स्त्री रूप को देखा तो वह बहुत दुखी हो गए और वह इस सरोवर के पास बैठकर रोने लगी। महाराज दशरथ सोचने लगे कि मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो मैं क्या कहूंगा? मेरी प्रजा मुझे कैसे पहचानेगी कि मैं ही राजा दशरथ हूँ? मैं उनसे क्या बताऊंगा? वह लोग समझेंगे कि मैंने ही राजा दशरथ को मार डाला है। ऐसा सोचकर उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त पहले जैसी ही थी। उन्हें सब याद था कि पहले मैं क्या था और इस समय क्या हूँ, लेकिन करें तो क्या करें, ऐसा सोच विचार कर ही रहे थे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, वो भी शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नजर सरोवर के पास बैठी एक सुंदर नारी पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गए। राजा रोमपाद उनके पास गए और बोले, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ और यहाँ किस कारण से आई थी? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या करोगी? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदरी हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस जंगल में मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा और पता नहीं वह मुझे कैसे रखेगा और क्या करेगा। ऐसा सोच विचार कर राजा दशरथ, जो नारी रूप में है, राजा रोमपाद के साथ उनके महल चले गए। राजा रोमपाद ने राजा दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। अयोध्या में जब ये सूचना मिली कि कई दिन हो गए महाराज दशरथ वापस नहीं आए हैं, राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियां ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर सारी बातें बताईं। हे गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार के लिए वन गए थे और आज एक वर्ष बीता जा रहा है। महाराज दशरथ अब भी अयोध्या वापस नहीं लौटे। अब हमें चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियों को धीरज बंधाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्य सुमंत जी थे और आर्य सुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज में भेज दिया। आर्य सुमंत सेना लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकल गए। वह राजा दशरथ के घोड़े के टाप को देखते हुए जा रहे थे। आर्य सुमंत वहीं पहुंच गए जहां वह सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का टाप वहां खत्म हो गया। तब आर्य सुमंत विचार करने लगे कि आखिर महाराज दशरथ सरोवर के आगे कहां चले गए। आर्य सुमंत ने कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थी कि निर्जन जंगल में अगर कोई सरोवर होता है तो उसे भली भांति जान पहचान कर उसके अंदर पैर रखना चाहिए।
उसमें विकराल जानवर हो सकते हैं या फिर श्रापित हो सकता है। इसलिए वह उस सरोवर के पास तो गए, लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के पास मत जाना। फिर वह वहाँ से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में ऋषि श्रृंगी रहते थे। आर्य सुमंत उस आश्रम में आ गए। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैरों के निशान देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के बाद से उनके घोड़े के पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कृपया कर इस रहस्य के बारे में बताएं कि महाराज अब कहाँ है। श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोल से देखा और बताया, जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपोल से, उस सरोवर में जो भी व्यक्ति पुरुष हो, अगर वह उस सरोवर में स्नान कर लेगा या जल पी लेगा, तो वह मेरे तेज से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर जलपान कर रहे थे, इसलिए वह नारी रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आर्य सुमंत ने कहा, कृपा कर ये बताएं कि वह नारी रूप में हो गए हैं तो वह इस समय कहाँ है। अपने तपोल से ऋषि श्रृंगी ने देखा और आर्य सुमंत को बताया कि अब वह अंग देश के राजा रोमपाद से विवाह कर उनके महल में रह रही हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर आर्य सुमंत ने ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान किया और अंग देश पहुँच गए। अंग देश पहुँच कर वह राजा रोमपाद से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में उनको सारी सूचना बता दी। सुमंत ने महाराज रोमपाद से कहा कि अयोध्या के राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, वह वहाँ से आज तक लौटे नहीं। इसलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने से आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री रूप में परिवर्तित होकर आपको मिले हैं और आपके यहाँ रहते हैं। जब राजा रोमपाद ने ऐसी बात सुनी तो तुरंत दशरथ रूपी नारी को अपने पास बुलाया और कहा, पहचानिए ये कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे महामंत्री, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा है, महाराज आपके वहाँ न होने से आपके राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज। अयोध्या बिना राजा के एकदम सूनी है। महाराज दशरथ ने कहा, हे सुमंत, मैं तो अपने राज्य के लिए वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैं उसमें जलपान करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऋषि के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान के लिए नीचे उतरा, नारी रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताएं कि मैं इस रूप को लेकर कैसे अयोध्या जाता। जब मैं शिकार करने के लिए आया था तब मैं पुरुष रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूँ, मेरी बातों पर कौन भरोसा करता। इसलिए मजबूर होकर मैं राजा रोमपाद के यहाँ आना उचित समझा। ही मंत्री प्रवर, आप राजा रोमपाद से मेरी विदाई की आज्ञा ले तो मैं यहाँ से चलूँगा। आर्य सुमंत ने उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपाद से मिले। गुरु वशिष्ठ ने राजा रोमपाद से कहा कि आपकी जो पत्नी है, जो हमारे अयोध्या के महाराज हैं, उन्हें अपने बंधनों से मुक्त कर दें। हम सब जाकर ऋषि श्रृंगी से निवेदन करेंगे कि हमारे महाराज का पुरुषार्थ लौटा दीजिए। राजा रोमपाद उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इन्हें ले जाएं, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। राजा रोमपाद, गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पूरी सेना ऋषि श्रृंगी के पास पहुँची और आर्य सुमंत ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, यह मेरे राजा हैं जो अयोध्या नरेश हैं। गलती से आपके उस सरोवर में इन्होंने जलपान किया, अतः हे मुनिवर, कृपा कर इनका पुरुषार्थ इन्हें लौटा दें। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, महाराज, मैं आपका पुरुषार्थ नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही कहलाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, वहाँ का संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो, ऐसे में मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए है राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ लौटाता हूँ। और उन्होंने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे।
उसी समय तुरंत राजा दशरथ अपने पुरुष रूप में आ गए। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और सारे मंत्री प्रवर लौटने लगे। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप निःसंतान हैं। आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। अतः आप इस कन्या को अपने साथ ले जाएं। महाराज दशरथ ने उस कन्या को ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि राजा रोमपाद के भी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने उस कन्या को रोमपाद के पास छोड़ दिया। राजा रोमपाद ने उस कन्या का लालन पालन किया, जिसका नाम शांता था। और कुछ साल बाद राजा रोमपाद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।